वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई जस्ट होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे। सो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज आने वाला है पिंसू और मम्मी भी आने वाली है और वो आ रहे हैं आज। फिकर वो सुबह फिर वापस चले जाएंगे पालम चाची के घर। तो आप लोग को पता ही है, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं तो उनको पता ही है कि चाची जीने के से गिर गई थी तो उनको चोट वोट लग गई थी। तो वहाँ पर कोई नहीं है ऐसे करने वाला, तो फिर मम्मी ही गई थी और अपने ही करते हैं एक दूसरे का काम जो भी होता है एक दूसरे की हेल्प का। तो मम्मी गई है वहाँ और चाची के हाथ में चोट बहुत लगी हुई है और हाथ में पूरा पट्टी बंधा हुआ है। तो मम्मी वहीं थी इतने दिन से, 15 दिन से वहीं हैं और मम्मी को अचानक से आना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर सावन की कोतली होती है। मेरे मायके के यहाँ से तो सावन की कोतली आती है, घेवर वगैरह आते हैं। तो मम्मी 31 तारीख से पहले पहले आना बहुत ज़रूरी होता है। सावन हमारा जो है 31 से पहले ही है, 31 के बीच में ही आना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमारा सावन नहीं होता है। तो लड़की का हरियाणा में जो लड़की होती है शादी हो जाती है उनकी सावन की कोतली भेजनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मम्मी आ रही है और मम्मी आ रही है तो फिर मम्मी को तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए मम्मी आज आएगी, शाम को आज रात को रुकेगी और फिर कल चली जाएगी। तो फिर सभी जाएगा साथ में, तो एक दिन के लिए आ रहे हैं। तो मैं अपने बच्चे से मिलने का मुझे बहुत हो रहा है, मम्मी से भी, अपनी सासू माँ से भी मिलने का मुझे बहुत हो रहा है क्योंकि एक होता है ना माँ अपने बच्चे को संभालते, तो ऐसे ही मेरी सास मेरे लिए है, वो संभालती है वो मुझे। तो ऐसे तो सब कुछ मैंने मैनेज कर लेती हूँ लेकिन प्रिंसू भी वहीं रहता है, मेरा वीडियो का काम होता है, एडिटिंग का काम होता है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा काम का प्रेशराइज रहता है, वीडियो का काम रहता है, इसलिए तो लगा जा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। तो अभी मैं खाना वाना बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ और उसके बाद आएंगे तो उनके साथ बैठूंगी, सारी मस्ती करूँगी और जब आएंगे तो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए अभी पहले खाना वाना बनाते हैं, फ्री हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है? चलो। 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. Okay. मैंने कहा ब्लॉग बनाते हैं, चलो। पिंचा, मेरी पिंची आ गई। आराम से आ जाओ। जय करो मम्मी को, जय करने तुम चाह रहे हो, आपको जय कर रहे हो। अच्छा, प्रणाम करो, मम्मी को अपने घर का प्रणाम करो, प्रणाम करो भाई को कर रहे थे। चाचा 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 मिल गया, चाचा को मिल के आओ। माँ गया देखने। गाइस, मेरी पिंची आ गई है मेरे पास। कितने दिन बाद आई है, 5 दिन हम बाहर रहे, मतलब 1 हफ्ता ही हो गया इसको देखे हुए। तो आज देख रही हूँ इसे और कल ये जाएगा फिर वापस मम्मी, और कल आने वाली है नानी सावन की कोतली लेके, सावन का जो सीधा होता है हमारे यहाँ पे वो लेके आएगी मम्मी। और नानी आएगी तो पिंचू मिलेगा, नन्नू मिलेगा ना। तो अभी छोड़ जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं जब मम्मी आएगी, मम्मी की एंट्री होगी, सब दिखाऊंगी, सब कुछ शेयर करूंगी क्या क्या है। और चलिए सो जाते हैं, सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और वेलकम बैक टू, मेरा कल ही हो गया था रात में ही और मॉर्निंग हो गई है और मम्मी आ रही है। मैं तैयार व्यार हो रही थी, क्रीम व्रीम लगा रही थी और यही सूट मैंने पहना है क्योंकि मम्मी कहती है हर बार तू पुराने पुराने पहन के बैठ रहती है, तो वो कितने कपड़े देते हैं, तो वो कितनी सिलवाती है। इसमें मैंने सोचा कि मैं यही सूट डालती हूँ, तो मैंने दूसरी बार डाला है। तो मम्मी पहुँचने वाली है, रास्ते में ही है, मैंने अभी कॉल किया था, बस पहुँचने ही वाली है। तो चलिए फटाफट से मैं तैयार व्यार हो जाती हूँ, फिर मम्मी का वेलकम करते हैं। One eternity later. कोई है ही नहीं, किसको भेजूं? ला, मैं पकड़ती हूं। मैं तो बोल रही है। अरे अभी तो आई मैं नीचे। ला। ब्लॉग पहले बनेगा। काली चाय, क्योंकि मम्मी दूध वाली चाय नहीं पीती है आजकल, मम्मी की दूध वाली चाय बंद है, काली चाय पीती है, चीनी और चाय पत्ती है इसमें बस। चलिए देने चलते हैं। नंगा बैठा हुआ है, कपड़े भी नहीं पहने इसने।
तो मैं नानी के पास बैठ के खेल रही है, खाना लगाते हैं। नहीं है राजमा, ये सूखा हलवा खिला देना। ठीक है, तो चलो खाना सर्व करते हैं, रोटी वोटी बनाते हैं। हो गया है खाना रेडी, और ये आलू के गट्टे हमने बनाए हैं, आलू की सब्जी और ये राजमा और सैलेड। चलो रोटी नहीं खा रहे हैं। हाँ है ये चटनी, कौन सी चटनी? पुदीना ले जाएगी कल। पुदीना पुदीने की है। चलो मम्मी पहले प्रणाम करती है खाने को, पहले अन्नपूर्णा को, बाबा जी का नाम अन्नपूर्णा भगवान को याद करके तब खाना खाती है। चलो अब खाना वाना खाते हैं। सब ये तीन बैग में क्या है ये खोलेंगे तो दिखाएंगे। मेरी सावन की कोटली आई है, सावन की कोटली में घेवर तो होते ही है, सबको पता ही है, और बाकी सारी चीज़ें क्या आती हैं वो भी दिखाएंगे अलग से। एक्स्ट्रा एक्सेस सामान क्या लेके आएंगे तो बैग खोलने के बाद पता चलेगा। तो पहले ये खाना वाना खाते हैं फिर देखते हैं। One hour later. तो हम सामान खोलने जा रहे हैं अभी, दिखाते हैं क्या है। वैसे तो नॉर्मली सावन की कोतली आती है, घेवर वगैरह आते हैं, पर देखते हैं क्या होता है। तो मम्मी एक एक करके सामान निकालेंगे अभी। मैं इसको थोड़ा हाइपर लैप्स करके दिखाऊंगी। ये नमकीन वाली जलेबी, तलने वाली जलेबी, गुड़, ऐसे मत करो, मत करो ऐसे। और ये स्टिक, नहीं बिस्किट, चॉकलेट वाली बिस्किट, ये सब कैंटीन से आया। जली जली, ऑरेंज जली, ब्लूबेरी जली, मैक्रोनी मतलब बना लिया, मैक्रोनी नमकीन। वो भी लेके आई मम्मी, कपड़े कहाँ से होते कड़े पर। मेरे आए कड़े और आए हैं टॉप। ये है असली चीज जो जिस पर्पज से मम्मी आई है। तो ये है नमकीन मट्ठी और मीठी मट्ठी जो कि सावन की कोटली में आती है। अब निकालेंगे घेवर, इसमें क्या है। ये है सेवैया बूरा जो कि आता है। तो नमकीन और मीठी नमकीन वाली मीठी वाली मट्ठी देख लिया। ओहो, तो एक हाथ से फोन पकड़ रखा है मैंने। और ये नमकीन मट्ठी, ये लैक्मे की क्रीम, लैक्मे क्या चीज, मिल्क लाइट वेट मॉइस्चराइजर क्रीम। आ गया हमारा बड़ा सामान घेवर। घेवर पता है इसमें घेवर, तो इसका पैकेट खोलते हैं हम, देखते हैं कौन सा वाला घेवर है। घेवर भी अलग अलग तरह के आते हैं और मैं ऐसे ही फाड़ दे रही हूँ। ये घेवर मम्मी कह रही थी देसी घी का है, ये घेवर ही सबसे अच्छा लगता है खाने में। तो ये है हमारी सावन की कोतली जो घेवर है। अब उस बैग की बारी है, उस बैग में देखते हैं क्या है। यहाँ ये घेवर है, देखते हैं क्या है इसमें। है चाइना टोस्ट, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है खाने में चाइना टोस्ट। तो ये है आम जो कि बैग निकला है, आम है। और ये है बब्बू गोसा या नाशपाती, क्या है बब्बू गोसा है। और ये क्या है, ये भी पता सही है। और ये केले हैं, ये क्या है, में जो सुहागन होती हैं जिनका लड़कियों का जाता है सावन की कोतली, उनके लिए मेहंदी वेहंदी भी आती है, तो इसलिए ये मेहंदी आई है, थोड़ी ब्लर दिख रही थी। और इसमें देखते हैं क्या है, हरी नीन पेंट, हरी नीन पेंट है, हरा हरा ग्रीन ग्रीन होता है सावन में। आया है ये क्लेचर, सारे क्लेचर हो गए मेरे, वहाँ पहले से इतने लटके हैं। इसमें देखते हैं पर्स में कोई बिछिया विछिया है, कैसी है देखते हैं। तो ये है बिछिया
और बिछिया मैं अभी पहनूंगी। वैसे तो मेरे पास पड़ी ही है पर मैंने फिर बोला कि एक ही जोड़ी चाहिए तो मैंने एक ही पेयर मंगाया है, मम्मी लाई थी। चलिए पहनते हैं इसको। One eternity later. मैं मम्मी के साथ जा रही मार्केट, बाकी बाकी देख के लानी है। मम्मी जा रही है और फिर ये ना बारिश का ठीक है। चलो आप तो मानना नहीं नहीं कोई नहीं, मैं ना मेरे को फिर कल फिर आना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई नहीं, वहाँ पे मैं भी जा रही हूँ, परसों का तो संडे संडे का दिन ठीक है। कोई चलो जा रहे हैं, हम निकल गए हैं और हम जा रहे हैं अब मार्केट की तरफ। तो देखते हैं बाकी का भी देखना है, डिजाइन क्या करना है। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि ये तो सावन की पुतली का ब्लॉग था। मार्केट में कितना टाइम लगेगा, भीड़ रहेगी, थोड़ा वो शॉर्ट मैं दिखा दूंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ बोल देती हूँ कि एंड करते हैं, बाकी आपको थोड़ा सा मार्केट का देखने को मिलेगा आगे। चलिए सो गाइस, आपने देखा कि हम निकल गए हैं और बहुत ही बारिश का मौसम हो गया था, ऐसा लग रहा था बस बहुत तेज़ ही बारिश आने वाली थी और मैं वीडियो शूट करके दिखाती लेकिन क्या कर सकते हैं, बारिश आ गई। इसलिए खुद भी जो मुझे लेना था वो मैं ले ही नहीं पाई, राखी मेरी ऐसे ही रह गई। बस जो मम्मी को लेना था मम्मी ने ऐसे इधर उधर खड़े होकर ले लिया। बारिश बहुत आ गई थी, आप देख सकते हो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है, बारिश भी आ रही है साथ ही साथ, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा। तो इसलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मेरा बस सावन की कोतली का ही व्लॉग था ये। तो मैं बाद में दिखाऊंगी, दोबारा जाऊंगी मार्केट तो शॉपिंग करेंगे रक्षाबंधन की, तो अभी व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय।